हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात। आपने बहुत सारी वीडियोस अब तक देख ली होंगी, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि 6 अप्रैल को जो नोटिस आया था कल रात को, और वहाँ पे अनाउंस किया एनटीए ने कि जो जेई मेन की जो एग्जाम की डेट्स है अटैम्प्ट 1 और अटैम्प्ट 2 की, उसको पोस्टपोन कर दिया है। हुआ क्यों? बोर्ड के एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे कई सारे स्टेट्स के, तो लोगों ने पिटीशंस लिखा और उसके बाद एनटीए ने मान लिया। तो जो पुरानी एग्जाम की डेट्स हैं उनको भूल जाइए, नए एग्जाम की डेट्स क्या हैं कि जेई मेन का पहला अटैम्प्ट है, सेशन नंबर 1 है, वो 20 जून से लेकर 29 जून, 10 दिन तक जो है चलने वाला है पूरा फेस्टिवल। 10 दिन के लिए चलेगा अटैम्प्ट नंबर 1। और जो सेशन नंबर 2 है, अटैम्प्ट नंबर 2 है, वो 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलने वाला है। तो अब आप, क्योंकि सबको लगभग 2 महीने के बराबर एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो काफ़ी सारे लोग जो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं वो और भी ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम में, इस नए डेट पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कंपटीशन और भी ज़्यादा फियर्स होने वाला है और कट ऑफ और भी ज़्यादा होने वाली है। ये हार्श ट्रुथ है और ये ट्रू बात है बिल्कुल, कि कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली ऐसे ड्रास्टिक इंक्रीमेंट नहीं आएगा कि कट ऑफ जो है 200 नंबर हो गई, ऐसा नहीं होगा, बट थोड़ा सा कट ऑफ जो है ज़्यादा होगा और जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि जो रैंक्स हैं, उन रैंक्स को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर करने होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं अपने आप को इस कंपटीशन में रेलेवेंट बना के रखने के लिए? आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइम पर ध्यान देना है। आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइम पर ध्यान देना है। जितनी भी कैलकुलेशन आप करते हैं एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट जितने भी देते हैं, तो इनमें कोशिश करें, एनालाइज़ करें कि आप कहाँ पर अपना जो टाइम है बचा सकते थे, कहाँ पे कैलकुलेशन जो है आप उसको स्किप कर सकते थे, कहाँ पे आप अपनी एक स्टेप बचा सकते थे। तो इस बात को एनालाइज कीजिए, ठीक है। आपने क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो आप ऐसे डरिए मत कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है देने की कोशिश कीजिए, और मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उनके जो एनालाइज है उन मॉक टेस्ट को, वो करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक्यूरेसी बढ़ाइए। एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप जब क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, तो अब देखिए गलती आपकी कहाँ पे हुई है। यदि आप अपनी गलती को पहचान लेते हैं, तो आप ना सिर्फ जेई मेन में, जेई एडवांस में, अपनी पूरी लाइफ में जो है बहुत अच्छे जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, यदि आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए और गलतियों को कम करने की कोशिश कीजिए, है ना। जितने आपके बस में हैं उतने ही आप गलतियाँ कम करने की कोशिश कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर and subscribe to the channel.